हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और आज हम कर रहे हैं कुछ एक्टिविटीज़। ये नेल लगा रही हूँ, नेल फिक्सिंग कर रही हूँ। जे लोगों को आर्टिफिशियल नेल लगाना पसंद होता है, लेकिन बाज़ लोगों को लगाना नहीं आता, तो मैं इसमें आपको प्रॉपर तरीका बताऊँगी कि नेल फिक्स कैसे किए जाते हैं। मीरब को नेल्स लगाने का बहुत शौक है और ये खुद ही से लगाती रहती है, फिर बार बार गिरते रहते हैं, गुम हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा तुम्हें मैं सही तरीका बता देती हूँ और साथ में अपने व्यूवर्स को भी। व्यूवर्स, अगर आप ऐसे सिंपल नेल्स लेते हैं तो इनको आप अपने नेल्स के हिसाब से फाइल करके उसके जितने कर लेंगे जितने आपके नेल्स हैं। और अगर आप ये इस तरह के नेल्स लेते हैं तो ये तो आपके फिक्स होंगे, इनको फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। और किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी नेल आर्ट कैसे होता है। आज ज़रा टाइम कम है और मैं नेल आर्ट किए हुए नेल यूज़ करूँगी। इस तरह से आप उसको फाइल कर सकते हैं फाइलर के साथ। ऐसे रख के देख लेंगे कि जितना आपका नेल्स है उस पे आपका ये फिक्स हो रहा है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा पुश कर लेंगे स्किन को। एल्फिक हम बिल्कुल इस तरह दरमियान में लगाएंगे ताकि ये फैले नहीं, और ये स्किन पे लगने से फिर नेल ज़्यादा इरिटेट करता है। इस तरीके से हम इसको दबा के रखेंगे। और भी जब इन नेल्स को निकालना होता है तो फिर उतर भी आसानी से जाते हैं। थोड़ी देर पानी ठंडे में इसको हाथों को डिप करके रखें तो नेल्स निकल जाते हैं। नेल्स हमारे पूरे लग चुके हैं और देखें, मीरब को तो आज बहुत खुशी होगी कि मीरब के नेल्स लग गए हैं। नेल्स लग चुके हैं और अब मैंने सालन बनाना है। सालन में आज मैं आलू बैंगन बना रही हूँ, तो बाकी आपको बच्चे दिखाते हैं। बच्चे बना रहे हैं आज कुछ कैप वगैरह का पेपर से, उन लोग उन्हें संडे स्कूल के लिए कैप्स लेके जानी है तो वो तैयारी कर रहे हैं, कुछ पेंटिंग वगैरह करेंगे, तो आप लोग भी साथ रहिएगा। सोनी हाय बोलो। मेरा हाथ कितना अच्छा लग रहा है व्यूवर्स, है ना? ये मैं बना रही हूँ आलू बैंगन। बैंगन अमूमन लोगों को पसंद नहीं होते लेकिन खाने चाहिए, इसमें आयरन होता है और आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मेरे बच्चों को भी नहीं पसंद, आज मेरी सख्ती आएगी, वो खाना नहीं खाएंगे, बोलेंगे हम बैंगन नहीं खाएंगे। आलू फ्राई हो जाते हैं तो फिर अंदर चलते हैं, आपको मीरब की ड्राइंग दिखाते हैं। बैंगन मैंने इस तरीके से कटिंग किए हुए हैं।
चले अंदर चलते हैं, मैं फ्लेम कम कर देती हूँ इसकी स्लो पे बिल्कुल। ये मीरब ने बनाई है कैप। मामा वेट, ये बस रखा हो गया, बन गया। मीरब तो अपने सारे काम खुद कर लेती है लेकिन अब्दियल के फिर मुझे करने पड़ते हैं, और दिन में तो मेरे पास टाइम नहीं होता। अब रात में बैठ के अब्दियल की मैं बनाऊंगी। ये थोड़े कलरफुल लगाती ना तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन चलो। ये मैंने इसे अपने साइज़ का बनाया है तो वो तेरे बालों की वजह से नीचे आ नहीं रही, इसको सही से फिक्स कर। ये भी गीली है तो ज़्यादा खुल ना जाए इसलिए। व्यूअर्स आज मीरब ने पेंटिंग भी की हुई है, एग्ज़ाम दे के फारिग हैं तो इसलिए मैंने इनको कलर वगैरह ला के दे दिए, कि तंग करने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ करते रहें। ये पेंटिंग मैंने ना धागा लिया, उसके अंदर ना मतलब इसी तरह ना पेंट के अंदर डिप किया, उसके बाद ना इसे ऐसे करके बंद करके ना सारे से फैला के बाहर निकाल लिया, तो ये बन गया। ये पता क्या लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे दो पर हाँ बर्ड्स है। और ये ना मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर के यहाँ पर पेंट्स लगाए 4, और यहाँ यहाँ पर भी 2 लगा दिए। उसके बाद ना मैंने इसे ना ऐसे फोल्ड किया और ना ऐसे ऐसे मतलब नाखून मारे और ना वो सारा ऐसे आ गया। और ये भी उसी धागे वाले की ट्रिक है। और मैंने एक कॉटन ली, उसके ऊपर ना 2 डिफरेंट कलर के पेंट्स लगाए, उसके बाद इसे ऐसे ऐसे कर दिया। और ये मैंने ब्रश से फ्लावर बनाया था, और बस मैंने इतना ही बनाया है। ये मैंने इनको वाटर कलर ला के पहले इनको मैंने करके ये भी बताया था कि आप इस तरह से आप वाटर कलर से पेंटिंग करो ताकि इनका थोड़ा ध्यान बटा रहे और ये आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करें, बैठ के कुछ काम करते रहें। और ये मम्मा ने बना के दिखाई थी हमें, ये पेंटिंग। बच्चे जब फारिग होते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं, आपस में इनकी शिकायतें ख़त्म नहीं होती, ये हो गया तो वो हो गया, इसलिए मैंने इनका ध्यान बटाने के लिए ये किया है कि ये थोड़े बिजी हो जाए। तो भी बस आज का वीडियो था हमारा यहीं तक, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमें लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। और आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमें कमेंट्स करके भी बताया करें कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।